आए तेरे बगैर आंसू निकल ही आए बगैर हर खुशी के साथ।
अब आप सोचिए इसको सुर में बांधने का कितना मुश्किल था मेरे लिए. Now I hope you get an idea. हाँ कभी पहले भी था ये भरम उसने भुला दिया. कभी पहले भी था ये भरम हुआ कि मुझे है उसने भुला दिया. मेरे कान में आ रही सदा, मेरे कान में, मेरे कान में आ रही है सदा. ये अदा वही मेरे खास है जो ना आए लौट के फिर कभी. आखिरी शेर, कोई मुझको ऐसी दुआ न दे कोई मुझको ऐसी दुआ न दे दुआ न दे दुआ न दे कोई मुझको ऐसी दुआ न दे कोई मुझको ऐसी सजा न दे कोई मुझको ऐसी दुआ न दे कोई मुझको ऐसी सजा न दे ये गुलाब कैसे खिला रहे ये गुलाब ये गुलाब कैसे खिला रहे जो बिछड़ के उससे उदास है. सॉरी के चाचा जी आप इसको आप खुद पढ़ लीजिए. कोई मुझको ऐसी दुआ न दे कोई मुझको ऐसी सजा न दे ये गुलाब कैसे खिला रहे जो बिछुड़ के उससे उदास रहे मुझे हम उसी हम कदम की तरह. कोशिश करता हूँ. ये गुलाब कैसे खिला रहे जो बिछड़ के उससे उदास है. ये ना जो न आए लौट के फिर कभी मुझे उससे मिलने की आस है जो सदा को छोड़ गई मुझे उसी हम कदम की तलाश है 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 जो ना आए लौट के फिर कभी मुझे उससे मिलने की आस है
जो ना आए लौट के कभी। और शोभा जी, याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि मेरे साथ जो बैठे हैं आप, शायद मेनी ऑफ यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। सुपांतो बैनर्जी बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, तो बहुत अच्छे तबला भी बजाते हैं। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम एज अ फ्रेंड एंड दैट ही वाज फ्री टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल एंड लिटिल चिल्ड्रन एंड बी विद अस टुडे एंड contribute to this special evening. So thank you for coming. अभी मैं बोलने ही वाली थी उनके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी। अब मैं सुभाष अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, वो दो गजलें सुनाएंगे।